नमस्कार, मैं भावना पैंस एंड ओवंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से पेंटी का अचार, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम बनाएंगे मिराले अचार मसाला से। इसके अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी पहले से मिक्स्ड हैं। हमको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए टेंटी, सरसों का तेल, कच्ची अम्बी और मिराले अचार मसाला। इसके अंदर नमक भी ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले जो टेंटी को है 5-6 दिन के लिए अच्छे से पानी में धोकर भिगो कर रखेंगे। पहले 2-3 दिन छाछ के पानी में भिगोएंगे, फिर उसको साफ करके वो फ्रेश वाटर में उसको भिगोएंगे और रोज उसका पानी चेंज करेंगे। फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल सॉफ्ट आप दबाकर देखेंगे गल जाएगी, उसके बाद इसकी डंडियाँ तोड़ेंगे और उसको धूप में या अंदर छांव में सूखने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये पूरी एकदम सूख जाएगी और अचार बनने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम एक बर्तन में अम्बी लेंगे, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, और उसमें डालेंगे मिराले अचार मसाला, और कुछ भी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बाकी सभी अचार की रेसिपीज ऑलरेडी लिखी हुई है। मसाला डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तेल डालेंगे, और सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। जब ये एक साथ हो जाएगा, तब हम इसके अंदर जो हमारी टेंटी थी वो डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। बस देखिए, फटाफट से तैयार है हमारा टेंटी का अचार। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा मसालों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा तेल और डालेंगे, इतना डालेंगे कि अच्छे से जो है अचार हमारा डूब जाए। और फिर उसको एक साफ बर्तन में निकाल कर और 1-2 दिन के लिए धूप में रखेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार टेंटी का अचार बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिराले अचार मसाले से आप बहुत अनेक तरह के अचार बना सकते हो, आम का अचार, मिर्ची का अचार। हमें इसमें कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक भी इसमें डाला हुआ है, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से बिना किसी टेंशन के आप जो है अचार घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।